सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सौरभ और आप लोग देख रहे हो ये वीडियो। तो भाई लोग आज जा रहे हैं मैं और पिद्दी। ये रहा पिद्दी, शीशे में दिख रहा होगा आपको, ये देखो इधर ये बैठा ससुरा। तो मैं और पिद्दी जा रहे हैं एक सुपर बाइक की डिलीवरी लेने, और वो सुपर बाइक कौन सी होने वाली है, कैसे क्या सीन है, आपको वहीं चलकर पता चलेगा। हाँ तो टाइटल में ये डालोगे ना, टेकिंग डिलीवरी ऑफ अ सुपर बाइक, ये नहीं बताऊंगा ना कौन सी है। वहन की लबर टकली है पिद्दी तू है, मेरे को फ्री की पड़ रही है गाइज, ये एक क्लिक बेट वीडियो है। तो गाइज अपन पहुंच गए हैं बाइक की डिलीवरी लेने। प्रदीप भाई भी अपने साथ, क्या बोलना चाहोगे भाई, कैसा लग रहा है बाइक की डिलीवरी पे? मस्त पता ही नहीं अभी कुछ भी भाई, कैसे कैसे कौन से क्या स्कीम है भाई। तो स्टार्ट हो गया भाई, बाइक स्टार्ट हो गया भाई, ऑलरेडी मॉडिफाइड बाइक है भाई, काफी सारी बाइकें खड़ी हैं यहाँ पर, गेस करनी है कौन सी बाइक है। भैया से, इन भैया से डिलीवरी ले रहे हैं, आपने देखा नहीं होगा ब्लॉग में पहले कभी। देखो ये भी अपने साथ लसन। तो गाइस अब अपने बाइक की, अपने सुपर बाइक की वो कर रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, रिवील, अनवील, अनरैपिंग, अनरैपिंग, अनकवर, अनकवर, ये 3 2 1 रिकॉर्ड कर। तो गाइस आपने अब बाइक तो देख ली होगी, ये अपनी बाइक, और आपको वीडियोस देखकर भी पता चल गया होगा कि भाई ये सारा सब कुछ फेक था। तो सीन ऐसा है कि भैया के पास एक्चुअली और भी सुपर बाइक्स हैं, एंड ये बाइक खाली खड़ी हुई थी, मैं लाऊं मेरे को तो मैं घुमा कर ले आता हूँ, तो ये सीन था बस। चलो ठीक है, इस पर ट्राई करके देखते हैं, इस पर भी ब्लॉग ब्लॉग बनाएंगे। तो ऐसा सीन था। और अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं भैया का पूरा गैराज दिखाऊं कि कौन कौन से व्हीकल्स हैं उनके पास, तो कमेंट करना है इस वीडियो पर, तो उनकी पूरी पूरा जो उनका लाइनअप है उसकी वीडियो बनाएंगे एक बढ़िया सी। साले तो बहुत तेज़ शोर मचा रही है भाई, नहीं चौथा गियर था वो अटक गया था। हाँ सब ये देखो भाई लोग, द्वारका एक्सप्रेस पर रात में ऐसा दिखता, पूरा मरीन ड्राइव लग रहा भाई यहाँ से। तो बस डिफरेंस ये है कि मरीन ड्राइव में आपको समुंदर मिलता है, ये नाला है यहाँ पर। एक तो भाई इसका गियर खड़खड़ खड़खड़ बजने लग जाता है भाई, ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मुझे, हैं लगते ही मतलब क्लच छोड़ते ही। और ये पता चल रहा है आंगी बांगी भाग रही, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही मोटा पंचर है, आराम से ही चलना पड़ेगा अपने को। तो एक बार देखियो इसकी हवा फिर निकल गई क्या, हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ, ये देख सही है। भाई साहब पावर तो है यार इसमें, बट इसमें ना डर ज़्यादा लग रहा है मेरे को। एक तो ये कि भाई इसमें ना आवाज़ बहुत तेज़ है भाई इस बाइक की, तो उसी चीज़ का डर लग रहा है कि भाई सामने पुलिस वाले खड़े हो। और दूसरा इसका ना चौथा गियर अटक रहा है, बाकी पावर तो भाई नेक्स्ट लेवल है। क्या पावर नहीं, जीनो से कंपैरिजन में तो भाई लग तो उतनी ही रही है, बट टू बी ऑनेस्ट जीनो से की फील भाई इससे तो बहुत डिफरेंट है। नहीं मतलब जैसे जीनो से तो सेंटा क्लॉस बना देती ना, इसमें वो वाली फील नहीं है कि भाई वो एक्साइटमेंट वाली, ओ भाई नहीं ऐसा नहीं है भाई, एक्साइटेड हूँ मैं बट उसकी फील बहुत अलग है भाई, पटाखे भी फोड़ रहे हैं भाई। ओ भाई पावर तो है भाई इसमें,
क्या है यार महंग भैया, क्या कर रखा है बाइक का? वो अब फिर से हवा निकलनी शुरू हो गया, फिर आंगी बांगी जा रही है भाई साहब। उसके थ्रोटल से नेक्स्ट लेवल वाइब्रेशन फील हो रही है मेरे को इसमें अंडरपास में। अरे भाई इसका पंचर सही होता तब तक तो पहुँच लिए होते। भाई लोग अपने साथ थोड़ी बीटी हो गई है, इसकी हवा कुछ ज़्यादा स्पीड से निकल रही है। ये देखो सुपर बाइक को कितनी स्पीड में लेकर आना पड़ रहा है मैं घर पे। यही होता अगर आप बाइक डीलर वीलर से लेते ना, ऐसे ऐसी स्कैम हो रहा था कि अभी हम लेकर निकले। भाई बेकार डीलर है भाई ये महंग मोहनता, इनसे कभी बाइक मत लेना, मज़ा नहीं आया भाई। पंचर बाइक पकड़ा दी भाई महंग मोहनता। इफ़ यू आर लिसनिंग यू आर नॉट अ गुड डीलर, आई विल गिव बैड रिव्यूज़ टू यू ऑन गूगल। बाहर से देख जगह तेरे को कि पंचर वाला बैठा है क्यों, इसलिए तेरे को बोलता जल्दी आगे जाकर दबा दी आवाज़ फटाफट। I am wasting all my time.